हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेस्ट कलेक्शन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट पार्ट वन। बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्जाम नवंबर में होना है। हमारी क्लास लगभग एक दो महीने से नहीं आ रही थी, वो कुछ फिजिकल हेल्थ कंडीशंस थे। अब मैं कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, जो रेस्ट क्लासेस हैं आपका वो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी लेकर आपका कवर कर दूँ सिलेबस, और आपकी तैयारी अच्छी हो। साथ में मॉक की भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मॉक टेस्ट कम से कम 5 करवा दें, ताकि आपके एग्जामिनेशंस में काफ़ी हेल्पफुल हो। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक हाउस टू हाउस कलेक्शन की। देखिए, हाउस टू हाउस कलेक्शन मतलब घर घर जाकर कचरे का संग्रहण करना। अब इसमें जो प्रोसेस अपनाए जाते हैं एक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वो क्या क्या है, इनको याद रखना है। तो हाउस टू हाउस कलेक्शन के लिए कुल 5 प्रोसेस हैं जिसके थ्रू कलेक्शन किया जाता है। वो पहला है कर्व सर्विस, आप इसे नोट करते जाएं, कर्व सर्विस। दूसरा है एलए सर्विस, एलए जो देखते हैं ना गली होता है, गलियारा, उसे एली बोलते हैं। सेट आउट ब्रेक, एक तीसरा होता है सेट आउट ब्रेक। एंड फोर्थ होता है सेट आउट सर्विस, सेट आउट सर्विस। एंड फिफ्थ होता है बैक यार्ड सर्विस, बैक यार्ड सर्विस। इस 5 टॉपिक को हम लोग आज पढ़ेंगे हाउस टू हाउस कलेक्शन के लिए। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलेक्शन रूट का भी। कलेक्शन रूट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि जो कचरे का संग्रहण होता है, कचरे के संग्रहण के लिए जो रूट अपनाया जाता है वो क्या क्या है, कैसे कलेक्शन किया जाता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हाउस टू हाउस कलेक्शन के लिए सिर्फ नगर पालिका के ही लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, उन्हीं की जिम्मेदारी होगी कचरे का कलेक्शन करना, ये जरूरी नहीं है। इसके लिए जो भी गृहिणी है या घर के लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो कचरे के संग्रहण में मदद करें। जैसे कि कचरे को घर के लोग, नौकर, मालिक या कर्मचारी जमा करते हैं। अरे, घर में कचरा उत्पन्न होता है ना, तो घर में जो कचरा उत्पन्न हुआ, मानो ये घर है, ओके, यहाँ पे मालिक रह रहे हैं, एक नौकर रह रहा है ना, घर के लोग और भी रह रहे हैं, तो घर में जो कचरा बनता उत्पन्न हो रहा है, घर में जो कचरा बन रहा है, इसको कौन कलेक्ट करेगा, ये इनकी जिम्मेदारी है, घर के ऑनर की, नौकर की या अन्य सदस्यों की। ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि घर के कचरे को कलेक्ट कर एक जगह एकत्रित करके रखे। अगर ऐसा नहीं करेंगे ये, तो क्या आपके घर में जो कचरा फैला है उसे नगर पालिका के लोग आकर चुनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जहां भी घर में कचरा उत्पन्न होता है, अब फैला हुआ है, उसे एक जगह एकत्रित करके जमा करने की जिम्मेवारी किसकी है, घर के ऑनर की या नौकर की, जो वहां पे सर्वेंट है उसके, या जो घर के मेंबर हैं उनकी। ये क्या करेंगे, इन कचरों को एक जगह डस्टबिन में जमा करेंगे, बाहर में रखा हुआ अगर मानिए डस्टबिन है तो वहां पर ये जमा कर देंगे इसको, है ना, इन कचरे को। अब क्या होगा, यहां से नगर पालिका की गाड़ी जाएंगी कंटेनर या ठेला लेकर के, तो इस कंटेनर में ये कचरा क्या करेगा, वो अपने कंटेनर में लोड कर लेगा और फिर ये खाली डस्टबिन वहां छोड़ देगा। तो यहाँ कहा गया है कि कचरे को घर के लोग, नौकर, मालिक या कर्मचारी एकत्र करते हैं, उसके बाद नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा इसे कचरे को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। ये तो हमारा विकासशील देश है इंडिया, जानते हैं ना, डेवलपिंग कंट्री है, हम बोल सकते हैं इंडिया विकासशील देश है, बोल सकते हैं, क्या है ही, डेवलपिंग कंट्री। तो विकासशील देशों में सामुदायिक बिन होता है, कम्युनिटी बिन का व्यवस्था किया गया है, यानी कि हर आदमी को अलग अलग कचरे का डस्टबिन नहीं दिया गया है, क्योंकि हम इतना समृद्ध है नहीं कि सभी को मुहैया करा दें एक एक घर के ऊपर एक एक डस्टबिन। तो क्या होता है कि एक कॉमन डस्टबिन का
व्यवस्था कर दिया जाता है एरिया वाइज, और वहां पे क्या करते हैं, गृह जो वहां पे घर है अपार्टमेंट है वे लोग इसमें जमा करते हैं कचरे को। सफाई कर्मचारी द्वारा सड़क के कचरे हटाए जाते हैं। अब देखते होंगे नगर में या शहरों में कि सुबह सुबह या शाम के टाइम सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो आप झाड़ू लेकर देखते होइएगा कि सड़क को साफ करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि कचरा जो सड़क पर फैलता है, जो बिखरा पड़ा रहता है यहाँ पर कचरा, उसको सफाई कर्मचारी क्या करेगा, इकट्ठा करके जमा करेगा, है ना, और सड़क के कचरे को हटाएगा। और तब जब ये सारा कचरा एक जगह जमा होगा तब यहाँ नगर पालिका की गाड़ी आएगी और इसको अपने कंटेनर में, यहाँ मानो इसके पास कंटेनर भी रहता है डस्टबिन का, इसको अपने में लोड करेगा और लेकर के इसके निपटान के लिए जहां भी जाना है वो डिस्पोजल के लिए इसको लेकर बाहर ले जाकर डिस्पोजल करेगा। लेकिन विकसित देशों की अगर बात करें तो विकसित देशों में घर घर में डस्टबिन दिया हुआ है या वहां पर घर घर में कचरा जमा करने की प्रणाली है और वहां पर कचरे के निपटान का व्यवस्था उपलब्ध है और वो आसानी से कचरे का पर्सनली, अगर मानो सबको अलग अलग डस्टबिन मिल जाए तो सब क्या करेंगे, अपने यहाँ एकत्रित करके रखेंगे, कॉमन जो कम्युनिटी बिन है उसमें जाने की आवश्यकता नहीं होगी और कचरा जो है सही ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से एक जगह एकत्रित हो पाएगा, है ना। तो ये विकसित देशों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं और वहां पे डिस्पोजल के भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। विकासशील देश अभी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जो चीज मैंने बताया है वही यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। वेस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंडिविजुअल हाउस होल्ड इज रिमूव्ड इनिशियली बाय द ओनर और एन एम्प्लॉई एंड लेटर बाय म्युनिसिपल स्टाफ। In the case of the community bin system adopted in most of the developing countries, waste is collected and taken to the community bin by the house owner or an employee from where it is removed by conservancy staff. Wastes from the streets are collected and removed by the conservancy staff. Wastes from industries are collected and taken to the specific collection and disposal site by the industry itself. In house-to-house collection system as adopted in most of the developed countries, यहाँ developed countries की बात कर रही है। House-to-house collection का जो system है वो adopt किया गया है developed countries में जो कि विकसित देश हैं। The workman collects the waste from individual premises where it is stored by the owners in standardized containers, है ना, जो मैंने बताया है आपको वही चीज है यहाँ पे, आप इसे पढ़ सकते हैं। वैसे नोट्स जो है आपको हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग कर दिया गया है, वो आपको मिल जाएगा। इसमें हिंदी साथ में ही मैं चाह रहा था ऐड करना लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि हैंग करने लगा था। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे बना हुआ है स्लाइड, हिंदी को जैसे ही मैं करता था पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हैंग होने लगता था, इसलिए मैंने हिंदी का अलग ही पीडीएफ बनवा दिया है। आप इंग्लिश को अलग पढ़ें और हिंदी का अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हिंदी का भी पीडीएफ पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। इन द हाउस टू हाउस कलेक्शन, रिफ्यूज जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन इंडिविजुअल प्रीमाइसेस इज कलेक्टेड बाय सेवरल मेथड सच एज। अब हम लोग बात करेंगे हाउस टू हाउस कलेक्शन सिस्टम की। हमने पहले ही बता दिया था कि जो हाउस टू हाउस कलेक्शन सिस्टम के 5 टाइप्स हैं, जहां पे जो सर्विसेज बनाए गए हैं वो 5 टाइप के हैं। पहला है कर्व सर्विसेज, दूसरा है एलए सर्विसेज, तीसरा है सेट आउट ब्रेक, फोर्थ है सेट आउट सर्विसेज एंड फिफ्थ है बैकयार्ड सर्विसेज। और इन सर्विसेज के द्वारा हाउस टू हाउस कलेक्शंस किए जाते हैं। ये कर्व सर्विस क्या होता है इसको समझिए। देखिए कर्व सर्विस जो है, कर्व सर्विस के थ्रू जो कचरे का निपटान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है वो घर का ओनर है, घर का मालिक, और उनका यह कर्तव्य है कि जिस दिन ठोस कचरा संग्रह में जमा करने वाला वाहन कंटेनर उनके पास आता है तो वो क्या करें कि अपने पास घर के पास एक कचरा जमा करने वाला कंटेनर रखें और उस कंटेनर में अपने घर के कचरों को जमा करते जाएं, ठीक है। और जब भी कंटेनर भर जाएगा और कचरा संग्रह करने वाली गाड़ी आएंगी तो इस कंटेनर को ले जाकर कचरा
खाली करने वाले कंटेनर में जाकर जमा कर देगा, और फिर उनकी जिम्मेदारी है कि खाली कंटेनर वापस ले आकर जहां पर रखा हुआ है कर्व वहां उसके ऊपर ये रखते, इसी को कर्व सर्विसेज बोलते हैं। ओके, घर के मालिक की यह जिम्मेदारी है कि जिस दिन ठोस कचरा संग्रह करने वाले वाहनों के कंटेनरों में अपने घर के कचरों को इकट्ठा किए हुए कर्व कंटेनर को खाली करते हैं, वह पुनः खाली कंटेनर को कर्व पर रख दे और घर के मालिक को यह कचरा खाली करने के बाद यह जो खाली कंटेनर है इसे वापस जहां पर कचरा जमा करने वाला ये कंटेनर रखा था हुआ था वहां पर रखने की जिम्मेदारी है। आ गई बात समझ में? ये नहीं कि नगर पालिका का कर्मचारी आएगा यहाँ से कंटेनर उठाकर ले जाएगा, फिर अपने में कचरा यहाँ लोड करेगा, फिर वहां से उठा करके ये यहाँ रखेगा, ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो गाड़ी पर रहेगा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। आपका काम है कि आप घर के मालिक हो, हाउस होल्ड हो, तो कर्व सिस्टम के थ्रू आपको क्या करना है, एक कंटेनर जो कर्व पर कर्व है जहाँ रखा हुआ है वहां पर आपने कचरे को जमा करना है, घर के कचरे को, और जब कंटेनर आएगा तो इन कचरे को उस कंटेनर पे लोड करना है, और जो ये कर्व है खाली कंटेनर है उसको जहां पर था ये कर्व पर रखा हुआ वहां आकर रख देना है, वापस रख देना है। यही कह रहा है, द हाउस ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द रिफ्यूज कंटेनर एट द कर्व ऑन द शेड्यूल्ड डे व्हेन द वर्कमैन फ्रॉम सॉलिड वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स कलेक्ट एंड एम्प्टी द कंटेनर्स इन द कलेक्शन व्हीकल एंड प्लेस देम बैक एट द कर्व। The house owner is required to take back the empty containers to their house. Okay, clear हो गया? अच्छा, यहाँ पे curb services को बहुत अच्छे से समझाया गया है, इसे आप देख सकते हैं। ये house है, ये household का ये बनाया गया है। आपने apartment देखा होगा, एक बस्ती देखी होगी जहाँ पे organized तरीके से घर होता है। यहाँ पे एक वो सिस्टम बनाया गया है, ये जितने भी आप रेक्टेंगुलर खाना देख रहे हैं ना ये सब घर है। तो यहाँ पे हम नंबरिंग किए हैं, हाउस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। इस एरिया को, ये जो एरिया देख रहे हैं इसको एली बोलते हैं, गली। और ये जो देख रहे हैं ना ये मानो गाड़ी है, यहाँ से कचरा वाला गाड़ी जा रहा है, और इस एरिया को हम रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोड। सीधा सीधा जो जाएगा उसको रोड ही बोलेंगे ना, इसको भी हम रोड बोलते हैं, इस एरिया को, खाली जगह को, इसको रोड बोला जाता है। इसे आप लिख सकते हैं इसको। कर्व सर्विस में क्या होता है कि कंटेनर जो है वो रखा होता है कर्व, यहाँ पर देखो घर के आगे रखा हुआ है ना, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, ये सड़क के किनारे रखा हुआ है। अब जब गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो इन हाउस होल्ड ऑनर्स की जिम्मेवारी है कि इन कंटेनर्स के कचरे को यहाँ लोड करें। ओके, कर्व सिस्टम में ये गाड़ी जो होती है कचरा वाला, ये एली में नहीं जाती है, गली में नहीं जाती है। ये भी ध्यान रखने की चीज है, इस गली में ये गाड़ी नहीं जाएगी, तो वो एली सर्विस कहलाएगा। कर्व सर्विस में ये मेन रोड से गुजरती है, और यहाँ पर मतलब गली जो अपार्टमेंट है ना उसका जो मुख्य सड़क है उससे होकर गाड़ी गुजरती है। आई होप कि आपके दिमाग में पूरा बैठ रहा होगा ये फिगर जो मैं बताता जा रहा हूँ, इसे अच्छे से आप समझिए। और ये मुख्य सड़क से जाती है, वहां पे कंटेनर रखा होता है, और इन सारे ऑनर्स का जिम्मेवारी है कि इन कंटेनर में, जो ये कंटेनर यहाँ पर रखा हुआ है, इस कंटेनर में कचरा जमा करें। और साथ ही साथ एक निर्धारित टाइम होता है कचरे वाले का कि सप्ताह में 3 दिन हम कचरा कलेक्ट करेंगे, तो उस डेट को ऑनर जो भी है, मानिए यहाँ पे एक अपार्टमेंट है इसमें 8 लोग रह रहे हैं, या फिर ये सोसाइटी है इसमें यहाँ पे 8 रह गए, यहाँ पे 8 रह गए, तो इनमें से किसी एक की जिम्मेवारी है कि वो कंटेनर में जो कचरा है उसको अपलोड करवा दे। ठीक यहाँ पर भी एक गली है, अब ये अपार्टमेंट्स हैं है ना, एक सोसाइटी है, तो यहाँ पर भी अब मानो बहुत सारा अपार्टमेंट बना हुआ है, एक सोसाइटी बना हुआ है, तो उसमें मुख्य सड़क 1 या 2 या 3 होंगी, उन तीनों से मुख्य सड़कों पर जो कंटेनर रखा हुआ है, इस सोसाइटी के लोगों का, यहाँ के घर के मालिक के ऑनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कचरे को कंटेनर पर अपलोड कर दें। ये है कर्व सर्विस। और फिर ये ऐसा नहीं कि कंटेनर ही इस पर लोड करके रख देगा और यहाँ खाली रहेगा, ऐसा नहीं है, कंटेनर का कचरा इसमें डालेगा और फिर कंटेनर को जहाँ था रखा हुआ वहीं जाकर रख देगा,
ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप कि आप समझ गए। चलिए अब हम एलए सर्विस की बात करते हैं। देखिए एलए मतलब होता है गली, गलियारा जिसको बोलते हैं, गली सेवा। The containers are placed at the LA line from where they are picked up. UP कर दीजिए इसको, picked up होगा। By workmen from solid waste collection vehicles who deposit back the empty containers. अब यहाँ पर मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये जो गली है, अब इसमें कंटेनर रखा होता है LA सर्विस में। हर गली में मुख्य सड़क से गाड़ी तो जाएंगी, मुख्य सड़क से कितना कवर लोग कर सकता है। कर्व सिस्टम में क्या है कि मुख्य सड़क पर कंटेनर रहेगा तो उसमें दिक्कत ये होता है कि मानो कि जो फ्रंट पे लोग रह रहे हैं यहाँ पर, इस फ्रंट पर सड़क के किनारे, इनको तो कचरा देने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मानो अगर ये कोई यहाँ पे रह रहा है आखिरी छोर पर और उसको मुख्य सड़क पर आना है कर्व सिस्टम के थ्रू, तो उसके लिए बेचारे को बहुत कठिनाई हो जाता है ना। उतना दूर मानो यहाँ पर अगर 500 मीटर की दूरी है तो कचरा लेकर 500 मीटर जाएगा। अब मानो बहुत बड़ा है 1 किलोमीटर या 1000 मीटर की दूरी हो उस गली की, तो उतना दूर लेकर जाएगा वो, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए एली सिस्टम बनाया गया कि गली में ही, अगर वो घनी आबादी वाली बस्ती है उसमें कई सारी गलियां हैं, तो वहां पर गली में कंटेनर को डाल दिया जाता है ताकि गली के लोगों को सुविधा हो इन कंटेनरों में अपने कचरे को डालने में, उन्हें मुख्य सड़क पर नहीं आना पड़े। और ये जो बसेज हैं ये, या फिर ये जो नगर पालिका की गाड़ी है, हर गली में जाएंगे, हर गली से होकर जाएंगे और इन कचरे को कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एलए सर्विस में क्या होता है कि कंटेनर को गली लाइन पर रखा जाता है। ये समझ में आ गया, कर्व सिस्टम आप समझ गए, एलए सर्विस समझ गए, इस पर क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि अच्छे से इसको समझिए, ओके। और ये हाउस होल्ड्स हैं, तो बहुत कुछ सोच समझ कर बनाया गया है कर्व सिस्टम के थ्रू। वो जो मानो छोटा है बस्ती, सिर्फ सड़क के किनारे किनारे ही घर है, उनके लिए कर्व सिस्टम फायदेमंद है, लेकिन मानो कि सड़क मुख्य सड़क है लेकिन वो जहाँ लोग जहाँ रह रहे हैं, जो बस्ती है वो काफी घनी है, लंबी चौड़ी है, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम सेट आउट सेट बैक सर्विस दोनों के बारे में एक ही बार चर्चा करेंगे। देखिए सेट आउट ब्रेक को सबसे पहले समझते हैं। सेट आउट ब्रेक जो होता है, इसमें जो पुरुष हैं उनको अलग अलग घर में जाना पड़ता है और कंटेनरों को इकट्ठा करना पड़ता है, और उन्हें ठोस कचरा संग्रह करने वाला जो गाड़ी है उसमें कचरे को ले जाकर जमा करना होता है। इसमें क्या होता है कि ये गली में जाती नहीं है गाड़ी, और ये जो मैंने हरा ग्रीन कलर का बनाया हुआ, ये सड़क है, मुख्य सड़क, इसको रोड लिख सकते हैं आप सब में, ये रोड है। और ये सेट आउट सेट ब्रेक सिस्टम है, सेट आउट सेट बैक सिस्टम, उसमें जो बस्ती है मुख्य सड़क से ही कंटेनर जाती है, लेकिन होता क्या है कि इसमें ऑनर को नहीं जाना पड़ता है। आपने कर्व सिस्टम में पढ़ा कि ऑनर को, ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंटेनर को उठाकर वो डाले नगर पालिका गाड़ी में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है सेट बैक सर्विसेज में कि गाड़ी मुख्य सड़क से तो जा रही है लेकिन गाड़ी खड़ा कर देगा वो कचरा वाला नगर पालिका का, और यहाँ से जो है एक पुरुष जाएगा और घर घर जाएगा कचरा कलेक्ट करने के लिए, सभी घर में जाकर कचरा कलेक्ट करेगा और फिर उसको अपने गाड़ी पे आके लोड करेगा। ये समझ में आ गया। तो ये था सेट बैक सर्विसेज, और आप देखते हुएगा कि मैक्सिमम इस प्रोसेस का ज्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां मैं रह रहा हूं वहां पे तो यही होता है कि गाड़ी आती है और कचरा हर घर से कलेक्ट करता है, लेकिन ये प्रोसेस है, आपको जानकारी रहना चाहिए कि किस सर्विसेज में किस तरह की बातें कही गई हैं, क्या रूल है, ओके। आपने पढ़ा कर्व सिस्टम, कर्व सर्विसेज, दूसरा पढ़ा एलए सर्विसेज, एंड तीसरा पढ़ा सेट आउट सेट बैक सर्विसेज। फोर्थ की ओर चलते हैं हम लोग और बात करते हैं सेट आउट सर्विसेज के बारे में। ठोस कचरा संग्रह करने वाले कर्मचारी अलग अलग घरों से कंटेनरों को इकट्ठा करते हैं और उसे क्या करते हैं, संग्रह करने वाले जो, मतलब जमा करने वाला जो वाहन है नगर पालिका का,
उस पर ले जाकर खाली कर देते हैं। और सेट आउट सर्विस में क्या होता है कि फिर कंटेनर मकान मालिक को वापस दे दिया जाता है। अब बोलिएगा कि सर उसमें सेट बैक सर्विस में भी तो वही था, सेट आउट में भी तो वही था, लेकिन वहां ध्यान देने वाली बात यह थी कि वहां वो खुद जाता था, कचरा लेकर आता था, कंटेनर लेकर नहीं आता था, समझ में आया, और कचरा डाल देता था। बट यहाँ क्या है कि यह खुद जाएगा, कचरा का जो कंटेनर है वहां पर रखा हुआ उसको उठाएगा, नगर पालिका के गाड़ी में रखेगा, फिर कंटेनर ले जा करके ऑनर को दे देगा, रूम ओनर मकान मालिक को कंटेनर वापस। ये है सेट आउट सर्विसेज। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको। बैकयार्ड सर्विसेज, इसमें क्या होता है कि ठोस कचरा संग्रह करने वाले कर्मचारी क्या करता है, वो ठेला, रेड़ी, बोरी या कपड़ा का जो बोरा वगैरह लेकर जाता है, डस्टबिन लेकर जाता है, और यार्ड में जो गली है उस सब में घूम घूम कर कचरा को कलेक्ट करता है, और फिर उसे ले जाकर नगर पालिका का जो गाड़ी उसका रहता है उस पर जमा करके और उसको डिस्पोज करता है। यहाँ पे लिखा भी है सॉलिड वेस्ट वर्कर्स कैरी अ बिन, हैंडक्राफ्ट और सैक और क्लोथ टू द यार्ड एंड एम्प्टी द सॉलिड वेस्ट कंटेनर इन 90 दी हैंडक्राफ्ट और बिन सिक्वेंटली टेकन टू सॉलिड वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स वेयर इट इज एम्प्टीड। तो मैंने आपको समझा भी दिया है कि इसमें क्या होता है, इसको पिछवाड़े सेवा बोलते हैं, बैकयार्ड का मतलब ही होता है। और इसमें हाउस होल्ड के पास जाता है कर्मचारी, नगरपालिका कर्मचारी ठेला लेकर जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी गाड़ी ले जाने की आवश्यकता नहीं है, छोटा छोटा ठेला लेकर जाएगा, बोरी लेकर जाएगा, गाड़ी भी नहीं लेकर जाएगा, बोरी लेकर चला जाएगा, है ना, वहां पर एक डस्टबिन ले लेगा कांधे पे और कलेक्ट कर करके अब कांधे पर ही रखता जाएगा, पूरे यार्ड का जमा कर लेगा पूरा गली का, उसके बाद ले जाकर उसे गाड़ी पे ले जमा करके फिर डिस्पोजल के लिए ले जाएगा। ये तरीका है, आप इसे ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर मानिए हाउस होल्ड है, देख लीजिए यहाँ पर भी हाउस होल्ड ले लीजिए आप, ऊपर भी हाउस होल्ड ले लीजिए, इधर भी आप हाउस होल्ड ले लीजिए, कितने सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, ये भी गली है, यहाँ से मुख्य सड़क जा रही है, इधर भी मुख्य सड़क जा रही है, ये भी मुख्य सड़क ही हो गई। देखो ये गली है, यहाँ पर भी ये हाउस होल्ड है। अब बीच से यहाँ से गाड़ी गई, नगर पालिका का गाड़ी जा रहा है, अब क्या हुआ यहाँ का नगर पालिका का कर्मचारी उतरेगा, गाड़ी को नहीं ले जाएगा, मानो छोटी संकीर्ण गली है ये, बहुत छोटी छोटी है, यहाँ पर ये ना कंटेनर ले जाएगा ना गाड़ी ले जाएगा, छोटा ठेले ही ले लेगा या फिर बोरी ले लेगा, और हर जगह जाकर कचरा उस बोरी में भरता चला जाएगा। आगे बात समझ में, और फिर क्या करेगा, उसको जमा कर लेगा, इसी को हम बैकयार्ड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, इस पर क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे कंपैरिजंस के, और कंपैरिजन करने वाला, और क्वेश्चन इसमें पूछ देता है कि आप एलएस सर्विसेज में बताइए ओनर क्या करता है, कर्व सर्विस में ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछेंगे, और आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो जरूर बना लीजिएगा। अगर आप इसको बोलिएगा मजाकिया तौर से पढ़ाने के लिए तो वो भी मुझे तरीका पता है, रानी के छत पर जाकर उसका बॉयफ्रेंड लाइन मारता है, ये तरीका भी है, मैं बता दूंगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन एग्जाम्स करीब हैं, मैं थोड़ा चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से हम आएंगे अपने अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन ऑफ द हाउस टू हाउस सिस्टम। ये तो यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है, हाउस टू हाउस सर्विसेज के पांच आपने पढ़े हैं, कर्व सर्विसेज, एलए सर्विसेज, सेट आउट, सेट बैक सर्विसेज, सेट आउट सर्विसेज एंड बैकयार्ड सर्विसेज, उसी का यहाँ पे डेफिनेशंस है, इसको पढ़ दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। द हाउस ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द रिफ्यूज कंटेनर्स एट द कर्व ऑन द शेड्यूल्ड डे व्हेन द वर्कमैन फ्रॉम सॉलिड वेस्ट कलेक्शंस व्हीकल्स कलेक्ट and empty the containers in the collection vehicles and place them back at the curb. The house owner is required to take back the empty container to their house. LA services, the containers are placed at the LA line from where they are picked up by workmen from solid waste collection vehicles who deposit back the empty containers. Set out, set back services,
means set out, mean go to individual houses, collect the containers and empty them in the solid waste collection vehicles. Another group of persons return them to house owner's yard. तो ये सेट आउट तक हमने बता दिया है, फोर्थ को भी देखिए. सेट आउट सर्विसेस, द वर्कर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स कलेक्ट द कंटेनर्स फ्रॉम इंडिविजुअल हाउसेस एंड एम्प्टी देम इन द कलेक्शन व्हीकल्स. द हाउस ओनर इज रिक्वायर्ड टू टेक बैक द एम्प्टी कंटेनर्स. बैकयार्ड सर्विसेस, सॉलिड वेस्ट वर्कर्स कैरी अ बिन, हैंडक्राफ्ट और सैक और क्लॉथ टू द यार्ड एंड एम्प्टी द सॉलिड वेस्ट कंटेनर्स इन 90. द हैंडक्राफ्ट और बिन इज सब्सिक्वेंटली टेकन टू सॉलिड वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स वेयर इट इज एम्प्टीड. ओके, ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, डेफिनेशंस था, मैंने उसे पढ़ भी दिया है. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ये पांचों सर्विसेज जिसकी चर्चा हमने की थी क्लास के प्रारंभ में कि इन टॉपिक्स पे बात करेंगे, आप अच्छे से इन चीजों को समझ चुके हैं. कलेक्शन रूट की बात हमने करी थी, कलेक्शन रूट क्या है, संग्रह मार्ग के बारे में चर्चा किया था. देखिए कलेक्शन रूट्स के बारे में यहाँ पे डेफिनेशंस तो लिखा ही है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं समझा देना चाहूंगा. देखिए वैसा रूट का निर्धारण जो यहाँ पे किया जाता है, कलेक्शन रूट्स जिसको हम बोलते हैं, संग्रह मार्ग बोला जाता है हिंदी में, इसका निर्धारण जो होता है वो कर्मचारी के अनुभव, एक्सपीरियंस पे, जो नगरपालिका के कर्मचारी होते हैं उनके अनुभव और उनके अंतर ज्ञान पर निर्भर करता है, उसके आधार पर रूट बनाया जाता है. मान लीजिए अगर कर्मचारी वेल क्वालिफाइड नहीं हो, वेल एक्सपीरियंस्ड नहीं हो और वो यह नहीं जानता हो कि कम टाइम में किस प्रकार से वेस्ट का कलेक्शन किया जाए और हमारे पास जो सर्विसेज हैं देने के लिए मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किस प्रकार दिया जाए, विदाउट एक्सपीरियंस वो कर नहीं सकता. और इसके लिए वे कर्मचारी अपने एक्सपीरियंस का उपयोग करते हैं, अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं और फिर कलेक्शन रूट्स का निर्धारण करते हैं. अब बोलेगा यहाँ पे सर ज्ञान और अनुभव का क्या तात्पर्य है, आप बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे बोलने का तात्पर्य यह है कि मानिए महानगर में रह रहे हैं, भीड़भाड़ वाले एरिया में, दिल्ली महाराष्ट्र जैसे शहरों में, कोलकाता जैसे शहरों में रह रहे हैं, वहां पे नगर पालिका का गाड़ी कचरा कलेक्ट करने के लिए निकला और उसे शॉर्टेस्ट रूट का ज्ञान अगर नहीं है तो वो लॉन्ग रूट से जाएगा वही कचरे को कलेक्ट करने के लिए. मानिए अननेसेसरी एक्सपेंसेस होंगे इस पे, मान रहे हैं ना, तो जब अननेसेसरी एक्सपेंसेस होंगे तो इससे तो गवर्नमेंट का नुकसान है, साथ ही साथ टाइम का भी नुकसान है, क्योंकि आप शॉर्टेस्ट रूट से जाइएगा, मानिए 5 मिनट का जो रास्ता है शॉर्टेस्ट रूट से, लॉन्ग रूट से यहाँ पे आपको अगर 20 मिनट लगता है, अप्रोक्सीमेट 15 मिनट का आप यहाँ पे नुकसान कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपका व्हीकल का खर्च आ रहा है, टाइम आपका जा रहा है. और सो एक दिन में जो मैक्सिमम कचरे का कलेक्शन कर सकते थे वो नहीं कर पाए, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है, आप तो एक ही पॉइंट पर कचरा कलेक्ट करने में मैक्सिमम टाइम अपना एक्सपेंड कर चुके हैं, तो फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पर कैसे कचरा कलेक्ट करोगे. तो इसीलिए कहा गया है कि कचरे के कलेक्शन के लिए चाहिए नगर पालिका के कर्मचारियों की वो शॉर्टेस्ट रूट का इस्तेमाल करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को टारगेट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट पर जाकर जहाँ पर कचरा का पॉइंट बना होता है ना, कचरा का कंटेनर रखा होता है, उस पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा वो टच कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से कलेक्शन कर पाए कचरे का. तो ये उसके अनुभव पर ही होगा, उसे पता होना चाहिए कि इस नगर में कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, कौन सा एरिया. दूसरा कि नगरों में, महानगरों में ट्रैफिक्स ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि किस टाइम ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो उस टाइम से 1 घंटा पहले वो निकल जाए गाड़ी लेकर, कि मान 10 बजे ट्रैफिक लगता है तो ये 8 बजे निकल जाए, 9 बजे निकल जाए कलेक्शन के लिए, 1 घंटे वापस आ जाएगा. या फिर जो ट्रैफिक का टाइमिंग है, ट्रैफिक खत्म होने के बाद का समय उसे पता होना चाहिए कि भाई इस टाइम ऑफिस का टाइम है, 10 बजे ट्रैफिक होता है, 1 घंटे तक ट्रैफिक रहता है, 11:30 बजे से रूट क्लियर होता है, हम 12 बजे से कलेक्ट कर सकते हैं. तो इस तरह का भी ज्ञान होना चाहिए उसे, कहने का मतलब ये है कलेक्शन रूट्स का. ओके, यहाँ पे रूट बैलेंसिंग करना होता है और रूट बैलेंसिंग से पहले मैक्रो रूटिंग की जाती है. देखो मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो और माइक्रो के बारे में आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, ये वर्ड है. माइक्रो बहुत सूक्ष्म हो गया,
है ना, मैक्रो से बड़ा होता है, पूरा ब्रॉड एरिया इसको कवर करता है। तो जब रूट बैलेंसिंग करते हैं, रूट का निर्धारण करते हैं, रूट के बारे में डिसीजंस लेते हैं, तो उससे पहले हमें जो नगर पालिका कर्मचारी होते हैं उनको मैक्रो रूटिंग करना चाहिए होता है, रूट कलेक्शंस के लिए, कचरे के कलेक्शंस के रूट्स को निर्धारित करने के लिए मैक्रो रूटिंग की जाती है। साथ ही साथ जब आप मैक्रो रूटिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर टारगेट करना होता है कि जो वाहन कौन सा जा सकता है उस रूट में। अब मानो अब जिस रूट को आपने चूज किया है वो रूट बहुत मतलब संकीर्ण रास्ता है वहां पर, तो वहां पर जो गाड़ी जाएगी कचरा कलेक्ट करने के लिए वो छोटी गाड़ी जाएगी। अब वहां पे आप ट्रक पिकअप लेकर चले जाओ तो आप संभव ही नहीं है कचरा कलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप उस गली में जाएगा ही नहीं आपकी गाड़ी। तो ये सब इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, इन सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है जब आप मैक्रो रूटिंग कर रहे होते हैं। तो साथ ही साथ जिस तरह से आप बजट बनाते हैं ना, बजटिंग के बारे में आप जानते हैं कि सरकार एक साल के खर्चे के लिए जो बजट बनाती है उसमें अपना रिवेन्यू भी देखती है कि कितना आमदनी होगा, कितना हमारा खर्च होगा, नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारा, किन किन चीज़ों पर डेवलपमेंट पे क्या कितना खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च होगा, है ना, इंटरेस्ट पे कितना खर्च होगा, इन सब चीज़ों का वो प्लानिंग करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी प्लानिंग की जाती है वाहन के बारे में, रूट के बारे में, किलोमीटर के बारे में, प्रतिदिन ढोए जाने वाले कचरे के टन कितना टन होगा, भार भार उसका वजन उसके बारे में ये सब निर्धारित किया जाता है। इसी को रूट बैलेंसिंग मैक्रो रूटिंग कहते हैं। जब आप मैक्रो रूटिंग करते हैं, रूट बैलेंसिंग से पहले किया जाता है मैक्रो रूटिंग, और जब मैक्रो रूटिंग की जाती है तो इससे ब्लॉक और उस क्षेत्र का एरिया का को पहचानने में मदद मिलता है, हेल्प मिलता है। ब्लॉक जो खंड होता है, एरिया जो क्षेत्र होता है उसको आप पहचान पाते हैं, जिससे प्रतिदिन वाहन और उसके चालक को आसानी होता है, क्योंकि वो एरिया पहचान चुका होता है, तो उससे आसानी होता है कचरे को कलेक्ट करने में और एरिया तक अपने रीच को या एरिया तक पहुंचने में उसे बहुत आसानी होती है। अब बात करते हैं माइक्रो रूटिंग की। देखिए माइक्रो रूटिंग जो होता है इससे ह्यूरिस्टिक्स का उपयोग करके किया जाता है। यहाँ पर माइक्रो रूटिंग्स के बारे में बोला गया है, ये है स्पेलिंग, यहाँ देख लीजिए, ह्यूरिस्टिक्स, एरिया पहचान लिया, माइक्रो में तो ये सारी चीजें हुई, तब होती है माइक्रो रूटिंग की का कार्य, और वहां पे ह्यूरिस्टिक्स का उपयोग करके एरिया जो पहचाना गया है उसका कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है और कॉन्फ़िगरेशन करके बदला जाता है। ओके, और माइक्रो रूटिंग में जो विचार करने वाले कारक होते हैं वो क्या क्या होते हैं? माइक्रो रूटिंग के थ्रू पहचाने गए एरिया या जो भी ब्लॉक्स है उसका कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, तो वहां पर आप जो कचरे का संग्रह करेंगे उसके आवृत्ति के संबंध में आपको मौजूदा नीतियों की भी पहचान करनी होगी कि आपने क्लासिफिकेशन तो कर लिया, आपने पहचान लिया एरिया को, लेकिन आप अपने अनुसार सब कुछ कर रहे हैं ना, बट आपको ये भी देखना होगा कि जो इस समय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो रूल है, जो नीति है, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं कि नहीं, उन नीतियों का भी पहचान किया जाना चाहिए। ये माइक्रो रूटिंग बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म चीजों पर यहाँ पे चर्चा की जाती है। साथ ही साथ अब मान लो आपने एरिया को पहचाना, एरिया को आपने उसका कॉन्फ़िगरेशन कर दिया एरिया का, तो वहां पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि एरिया को खंडित नहीं करना अपने हिसाब से। अगर यह ब्लॉक ए है, यह ब्लॉक ए ही रहेगा, इसको आप तोड़ नहीं सकते, दो ब्लॉक में नहीं तोड़ सकते। अगर ये ब्लॉक बी है तो ये ब्लॉक बी ही रहेगा, इसे आप खंडित नहीं कर सकते, अपने हिसाब से सी नहीं बना सकते, या फिर इस एरिया को ओवरलैप नहीं कर सकते। अगर ओवरलैप करेंगे तो पता चलेगा एक बार इस रूट से गया, फिर दूसरी बार इसी रूट, मतलब इस रूट से आया और जिसका कचरा हमने कलेक्ट किया, दूसरे रूट से फिर उसी का कचरा हम जा रहे हैं कलेक्ट करने के लिए, बाद पता चला रही आपको तो मैंने फ्रंट पर दे दिया, बैक डोर से मार्ग जो है इस एरिया का कचरा कलेक्ट करने का वो स्थिर होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, ताकि जो कार्यभार है उसको बराबर बराबर हिस्से में बांटा जा सके। सर ये कार्यभार को बराबर हिस्से में बांटने का मतलब, मेरा कहने का अर्थ यह है कि मान लो नगर पालिका में 100 कर्मचारी काम करते, तो क्या 100 कर्मचारी को एक ही ब्लॉक में भेज दिया जाए कचरा लाने के लिए? अब बोलेगा नहीं सर, ये तो एथिकली रॉन्ग है।
अब एक ही रूट में जाएगा वो, 100 आदमी एक ही काम को करने के लिए, तो इससे ये तो प्रॉपर मैनेजमेंट है नहीं। हम क्या करते हैं, जब इन सारी चीज़ों का प्लानिंग कर लेते हैं, मानते हैं कि यहाँ इस पूरे एरिया से 50 टन कचरा हमें प्राप्त होती है एक दिन में, तो इस 50 टन कचरे को उठाने के लिए हम अपना जो कार्यबल है या फिर ये जो एरिया है इस कार्य का, उस कार्यभार को खंडित करेंगे, ना कि एरिया को खंडित करेंगे। और कार्यभार को खंडित करने का मतलब हम क्या करेंगे, हो सकता है इसे 4 टुकड़े में बांट दे या 2 टुकड़े में, 25-25 टन के लिए, तो 50 इंप्लाई को इसका, इस एरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे और 50 इंप्लाई को इस एरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, और दोनों क्या करेगा, कार्य अब बढ़ गया तो 25-25 टन आसानी से लेकर चलाएगा। तो आप इसे पढ़ सकते हैं नोट्स के थ्रू, मैं पढ़ नहीं रहा, मैंने समझा दिया है आपको, नोट्स में सारा चीज है, आप पढ़ सकते हैं। वही चीज है यहाँ पे कि जो हैवी ट्रैफिक है, आपको बताया भी था, वही चीज है कि आप ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक वाले रूट, भीड़ भाड़ वाला जो एरिया है उसमें आप ट्रैफिक से पहले 1 घंटा चले जाइए कलेक्शन करने के लिए, या ट्रैफिक के बाद चले जाइए, है ना। ये सारी चीजें हैं, आई होप कि आप कलेक्शन रूट समझ चुके हैं। आप बोलिएगा सर इंग्लिश पढ़ नहीं रहे हैं, नोट्स में है पढ़ लीजिएगा, मैंने समझा दिया है, आपका काम है क्लास में समझना, और आई होप कि आप समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ व्हीकल रूट्स, यानी कि वाहन मार्गों का अनुकूलन। नोट्स में है ही, मैं समझा दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए, जो वाहन होता है ना, जो व्हीकल, वो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट डिफरेंट सड़क से चलता है, और वह मान ले, अभी मैंने आपको बताया भी था ब्लॉक वाइज, ये मानो एरिया है, सोसाइटी है यहाँ पे, अब यहां से वाहन चल रहा है या यहां से वाहन चल रहा है, दोनों मानो मुख्य सड़क ही है, और जहां पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट बना हुआ है वहां से वो क्या करेगा, कचरे का एकत्र करेगा कचरे को, और फिर क्या करेगा, जब सारा कचरा ये कलेक्ट कर लेगा, फिर यहां से ये वाहन क्या करेगा, जहां पे इसका डिस्पोजल हो रहा है कचरे का, जो डंपिंग यार्ड है या डिस्पोजल का पॉइंट बना हुआ, वहां जाकर इसको डंप कर देगा। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ व्हीकल रूट्स में सीधा सीधा इसे समझिए कि यहाँ पे मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लगता है, कह सकते हैं कि सामग्री का, जो हमारे पास समुचित सामग्री है या फिर स्कार्स जो सामग्री है, चीजें हैं, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, समुचित उपयोग के लिए जो संग्रहण मार्गों का अनुकूलन किया जाता है, उसी को ऑप्टिमाइजेशन ऑफ व्हीकल रूट्स बोलते हैं इन इंग्लिश। सर बड़ा क्लिष्ट क्लिष्ट वर्ड बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा यार। ऐसे समझो कि आपके पास ये 10 रूट हैं कचरा कलेक्ट करने का, आप इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, मानो ये पॉइंट है कचरे का, एक रूट इधर से आ रहा है, एक रूट इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, सब लेकिन एक ही जगह आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है। एक ऐसा भी रूट है कि एकदम ऐसे ऐसे घूम करके जा रहा है, ऐसे ऐसे आता है यहीं पर, एक शॉर्टेस्ट है सीधा जिस रूट से हम जा रहे हैं वहीं पर ये पॉइंट पड़ता है, इसे आगे आगे यहाँ पर डिस्पोजल पॉइंट भी है। तो सबसे जो ऑप्टिमाइज रूट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, क्या आप बोलोगे ये वाला है इसे घूम के जाएं, आप बोलोगे नहीं एकदम बेकार है ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारा रास्ता जरूर है, लेकिन उन रूट्स में ऐसे रूट को हमें चूज करना हो पड़ता है कि जिस रूट से हम जा रहे हैं ना वहां पर ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हमको मिले, मानो 100 हमको रास्ता मिल रहा है लेकिन हम 99 रास्ते से सिर्फ एक पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, लेकिन एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू अगर हम जाते हैं कचरा कलेक्ट करने के लिए, तो उस रास्ते में हमें मैक्सिमम कचरे का पॉइंट मिल रहा है, हम इसको ही नहीं उठा रहे हैं बल्कि इस रूट में और भी कचरे को उठा पा रहे हैं, कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये रूट हमारे लिए काफी ऑप्टिमाइज्ड होगा ना, इसी को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ व्हीकल रूट्स। सामग्री का समुचित उपयोग के लिए संग्रहण मार्गों का अनुकूल आवश्यक है, इतना हिंदी हो गया है। ओके, ये जो ऑप्टिमाइजेशन है इससे गवर्नमेंट को फायदा भी है, क्योंकि आप इससे क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को बचा सकते हैं,
एक ही बार एक रूट पे गए और बहुत सारा पॉइंट आपको मिल गया कचरे का, तो आपको दोबारा इस कचरे को उठाने के लिए फिर से आना तो नहीं पड़ेगा ना। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बच गया, टाइम का खर्च बच गया, डे का टाइम डे बच गया, आप एक टाइम में बहुत सारा कचरा एक ही बार उठा पा रहे हैं। तो बहुत सारा चीज़ है प्रॉपर यूटिलाइजेशन से ऑप्टिमम, जो आप किसी भी चीज़ का यूटिलाइजेशन करते हैं तो उसका बेटर रिजल्ट भी मिलता है और आप मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक था वो खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंटेनर सिस्टम्स की। बहुत सारा उसमें सिस्टम है, जैसे कंटेनर कैरियर सिस्टम है, हॉल कंटेनर सिस्टम है, स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम है, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब बात आती है सीखा क्या, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा। आपसे पूछा जा सकता है हाउस टू हाउस कलेक्शंस के जो वेरियस मेथड्स हैं उसमें कर्व सर्विसेज, एलए सर्विसेज, सेट आउट सेट बैक सर्विसेज, सेट आउट सर्विसेज, बैकयार्ड सर्विसेज, कौन सा सर्विस यूज होगा, ऐसा भी पूछ सकता है आपसे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए इसको, हाउस ऑनर्स कॉपरेशन इज रिक्वायर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो हाउस ऑनर जो है, जो घर का मालिक है, उससे सहयोग जो रिक्वायर्ड है, जो जरूरी है उनका सहयोग नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए, वो है पहला टू कैरी फुल कैंस। ये अपेक्षित है, जरूरी है, किस सर्विस में ये जरूरी है टू कैरी फुल कैंस, मतलब उसको कैरी करना है जो बिन है, क्या बोलते हैं उसको, कंटेनर्स है कचरे का, भरा हुआ कंटेनर उसको देना है, उसके बाद टू कैरी एम्प्टी कैंस, यानी कि खाली कैंस को फिर उसे अपने पास रखना है। ऑप्शन यहाँ पर दे देगा कर्व सर्विसेज, एले सर्विसेज, सेट आउट सेट बैक सर्विसेज, सेट आउट सर्विसेज एंड बैकयार्ड सर्विसेज। ये लो बैकयार्ड सर्विसेज, थोड़ा उधर हो गया है, देख लीजिएगा इसको, मैं इसको इधर करके लिखता हूँ। देखिए कर्व सर्विसेज का आपने क्या पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि जो ऑनर है उन्हें कंटेनर फुल रखना है और खुद ले जा करके डंप करना है, किस पर, कचरे के कंटेनर पर। यहाँ पे यस होगा, ये रिक्वायर्ड है टू कैरी एम्प्टी कैंस, उसे खाली कंटेनर कैंस रखना भी है, तो यस यहाँ पे कर्व सर्विसेज इस पर लागू होगा। एली सर्विसेज में क्या है, ये कह सकते हैं ऑप्शनल है, ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि एली में गली में गाड़ी जाती है, कर्व सर्विसेज में क्या है कि गाड़ी गली में नहीं जाती है, मेन सड़क पर जाती है। तो इस केस में जो हाउस ऑनर्स हैं उन्हें कंटेनर्स जो हैं कचरा का खुद ले जा करके गाड़ी पर जमा रखना है, भरा हुआ कंटेनर्स का कचरा उस पर जाकर अपलोड करना है और फिर खाली कंटेनर्स को ले आकर जहां पर पॉइंट बना हुआ है, कर्व बना हुआ है, उस पर रख देना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एले सर्विस में ये ऑप्शनल है, ये नहीं भी ले जाएंगे तो ये गाड़ी खुद जाती है गली में और वो वहां से कलेक्ट कर लेगा, ये ऑप्शनल है। सेट आउट सेट बैक सर्विस में ये एसेंशियल नहीं है, नो, सेट आउट सेट बैक आपने पढ़ा ही है, रिक्वायर्ड ही नहीं है कि कोई हाउस ओनर को जरूरी है कि वो कंटेनर फुल ले जा करके जमा करे, क्योंकि इसमें तो घर घर जा करके कचरा कलेक्ट करते हैं ना, तो ये नो नो हो जाएगा। इसमें तो नगर पालिका कर्मचारी घर घर जाकर के कचरा खुद कलेक्ट कर लेता है या फिर घर से कंटेनर खुद उठा कर ले आता है, समझ में आ रहा है ना। बैकयार्ड सर्विस में भी ये रिक्वायर्ड नहीं, बैकयार्ड सर्विस में भी नो। सेट आउट में ये जो है कैरी एम्प्टी कैंस ये रखना है, ये यस होगा, ये ले तो आता है यहाँ पर, सेट आउट में याद रखिएगा कर्मचारी ले आता है, यहाँ पर ऑनर्स का मतलब एसेंशियल नहीं है कि वो खुद लेकर जाएगा, यहाँ पर कर्मचारी नगर पालिका का जाकर ले आता है, लेकिन फिर क्या करता है ये कंटेनर ले जाकर रख देता है,
और सेट आउट सेट बैक में क्या होता है, कंटेनर नहीं लाता है, डायरेक्ट कचरा ही ले आता है, तो यहाँ पर कंटेनर रखने की आवश्यकता ही नहीं है, दोनों हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सेट बैक सेट आउट में क्या होता है कि कचरा का कंटेनर लेकर आता है और खाली करने के बाद फिर कंटेनर ले जाता है और दे देता है, तो यहाँ पर कैरी करना होगा, ऑनर को रखना पड़ेगा। आई बात समझ में ना, तो यस हो जाएगा और बैकयार्ड सर्विस में नो नो हम कर देंगे। सेकेंड, अगर आपसे पूछ ले शेड्यूल सर्विसेज, शेड्यूल सर्विस इज नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग हाउस ओनर्स कोऑपरेशन, हाउस ऑनर्स कोऑपरेशन, तो कर्व सर्विस में यस करेंगे, यहाँ पे तो हाउस ओनर का चाहिए ही चाहिए, लेकिन जितना भी है एलए सर्विस में नो करिएगा, सेट आउट में नो होगा, बट सेट बैक में यस होगा, क्योंकि यहाँ पर हाउस ओनर्स का कोऑपरेशन चाहिए और बैकयार्ड सर्विस में नो होगा, लिखते जाइए आप। थर्ड अगर पूछा जाए, थर्ड प्रोन टू अपसेट, प्रोन टू अपसेट, अपसेट, प्रोन टू अपसेट, तो कब सर्विस में यस, एल सर्विस में यस, सेट आउट सेट बैक में नो, सेट आउट सर्विसेज में यस कर दीजिए, होगा ये, अब बैकयार्ड सर्विस नो। फ्रेंड्स, क्लास यहीं पे हम ड्रॉप करते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चंस हम आपको और करा देंगे, डिस्क्रिप्शंस, कर्व सर्विसेज, एलए सर्विसेज, सेट आउट बैक, सेट बैक सर्विसेज, सेट आउट सर्विसेज एंड बैकवर्ड सर्विसेज से क्वेश्चंस 10 मेरे पास हैं ऐसे, जो मैं करा दूंगा आपको। मैंने 3 करा दिया है अभी, लगभग 11-12 क्वेश्चंस बचे हैं, वो मैं करा दूंगा। चलिए, थोड़ा सा अभी मैं रिकवर हो रहा हूँ, तो धीरे 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 टाइम बढ़ाऊंगा मैं। कैसा आपको समझ में आया, फीडबैक दीजिएगा, आगे मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय।